आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा, जिसमें कम से कम 100 किलो पोहा है। मैंने इसको अच्छे से धो ली हूँ और इसमें यूज करने के लिए ये इतना है चूरा है, नमकीन चूरा, और ये सिंग दाना है, और इसके बघार के लिए इतना ये मिर्ची है, हरी मिर्ची कटी हुई है, और इतना ये शिमला मिर्ची है कटा हुआ, और इतना ये कांदा है, और ये टोप गर्म हो गया। इसमें हम हिसाब से तेल डालेंगे, तेल गर्म होने के बाद थोड़ी सी जीरा ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा कांदा ऐड करेंगे बघार के लिए, नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा ये काली मिर्च और जीरा पीसा हुआ ये ऐड करेंगे, थोड़ी सी भुक्की मिर्ची ऐड करेंगे, उसके बाद में ये शिमला है इसे इसमें डाल देंगे, थोड़ा भुनना है हल्का सा, ये भुनने के बाद में पूरे कांदे ऐड करना है, कांदा भी 1 मिनट तक भुनेंगे, उसके बाद में ये इंदाना है कड़क किया हुआ, इसे भी हम इसे 1 मिनट तक भूनेंगे, अब ये भुन के हो गया, और ये पोहा है इसे हम इसमें ऐड करेंगे, इसे कम से कम 2 मिनट तक भूनना है, अब इसे हम ढक्कन डाल के कम से कम 2 मिनट तक भाप पर रखेंगे। अब ये देखिए पोहा बनके हो गया तैयार, अब इसे हम सजाएंगे, कलर भी अच्छा आया है,
ये नमकीन है, माशाल्लाह से खुशबू भी अच्छी आ रही है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।